हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे बीपीएससी टीआरई 3628 का जो पेपर आज कंप्लीट हो चुका है। सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, टोटल 150 क्वेश्चन हैं दोस्तों। बिना किसी टाइम वेस्ट के सारे क्वेश्चन बहुत ही स्पीड में हम लोग फटाफट देख लेंगे। मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आप लोग को आंसर बताता हूँ, आप लोग मैच कर लीजिएगा। अगर आप लोग को जरूरत होगी तो मैं मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दूंगा। तो ये दोस्तों जो सेशन होने वाला है ये कंप्लीट मैथ और साइंस 6 to 8 का पेपर होने वाला है। इसमें 150-150 क्वेश्चन है और जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो पार्ट 1 पार्ट 2 है वो तो सबके लिए कॉमन ही था। तो सारे क्वेश्चंस पहले आप लोग अगर आप एसएसटी के हैं तो आप ये कॉमन पेपर पेपर 1 और पेपर 2 देख सकते हैं। अगर आप मैथ के हैं तो टोटल आपको 150 क्वेश्चन देख लेना है। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 हम लोग करते हैं। सबसे पहले जो क्वालिफाइंग था दोस्तों, इसमें सबसे पहले एक इंग्लिश का पैसेज पूछा गया है, तो मैंने पैसेज पढ़ रखा है। इसमें फ्लावर के बारे में पूछा गया है, तो सारे क्वेश्चन आप लोग को बता देता हूँ। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो पूछा गया है अ फ्लावर इज ओपन टू ऑल बिकॉज, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इट स्प्रेड इट्स ब्यूटी टू ऑल, ये भी सही है, और रेडिएंट एंजॉय। आप लोग ऊपर पढ़ेंगे तो आप लोग इसकी क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन 1, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है द ऑर्थर हियर टॉक्स अबाउट, यहाँ पे दोस्तों ऑर्थर किस बारे में बात कर रहा है। किसी स्पेसिफिक फ्लावर के बारे में तो बात कर नहीं रहा है कि फ्लीली है कि रोज़ है, एक जनरल फ्लावर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या था। हाँ, ए फ्लावर इज कंपेयर्ड, देखो दोस्तों फ्लावर को कैसे कंपेयर किया गया है, लिविंग थिंग्स के रूप में इसका आंसर मान सकते हैं, पर दोस्तों ज़्यादातर मुझे लगता है इसका आंसर ह्यूमन बींग एज फ्लावर को एज अ ह्यूमन बींग यहाँ पर ट्रीट किया गया था, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, ए स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस मीन्स, एक स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है कि जो नेचुरली क्रिएटेड इन्फ्लुएंस होते हैं उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, मतलब जो अचानक से होता है, तो नेचुरली इसका आंसर हो जाएगा क्रिएटेड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए रिफाइंड क्वालिटीज ऑफ अ फ्लावर आर, जो फ्लावर की क्वालिटीज़ पूछ रहा है, तो जिसमें उसमें ये सारे गुण होते हैं जो भी आपको ऊपर दिए गए हैं, ऑनेस्टी होती है, काइंडनेस होती है, जिस क्वेश्चन में आप लोग को बताया गया, तो इसका आंसर मोर देन 1 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ही सॉ, उसने देखा क्या, एलिफेंट, यहाँ एलिफेंट ई से स्टार्ट है तो यहाँ पे वॉवेल से स्टार्ट होना चाहिए, तो एन का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तो पूछा गया गुड टीचर इज़ इंपॉर्टेंट, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा ए गुड टीचर इज़ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ए इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ़ अगर 27 तारीख को वेडनेसडे डे था तो 25 मार्च को क्या होगा, इसको आप लोग काउंट कर सकते हैं, संडे आ जाएगा इस आंसर। ठीक है, संडे इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ए। अब हम लोग हिंदी के सेक्शन, हिंदी की दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान हुआ था इसका गद्य, आप लोग देखेंगे तो सारे आंसर इसके पैराग्राफ में ही छिपे हुए थे, एकदम सिंपल दिखाई दे रहा था सारे क्वेश्चन का आंसर। फटाफट इसका आंसर आप लोग को मैं बता देता हूँ, आप लोग मैच कर लेंगे। पूछा गया है किस अर्थ में आदर्श व्यक्ति का चरित्र प्रशंसनीय होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जब वो धैर्य एवं संकट को उसे दूर करता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे संकटों के बारे में इसमें भी बोला गया है, बट दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें बहादुरी बात नहीं की गई, तो सी ही ऑप्शन ज़्यादातर प्रेफर करना चाहिए, बट ऑप्शन ए भी हो सकता है, तो मोर देन 1 भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट रखेंगे बिकॉज ए भी हो सकता है, ए और सी दोनों हो सकता है, और सी को देखते हुए एग्जाम वाले क्या प्रेफरेंस देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आदर्श व्यक्ति के जीवन के लिए स्थान है, दोस्तों आदर्श के लिए कोई स्थान नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श व्यक्ति किसके विषय में आस्था रखता है, दोस्तों सत्कर्मों में आस्था रखता है, सी ऑप्शन हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12 जो था, लोग आश्चर्य मूढ़ित क्यों होते हैं, क्योंकि आदर्श और व्यक्ति की कार्यकुशलता देखकर, आप लोग जब इसका ऑप्शन पढ़ेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कार्यकुशलता देखकर लोग आश्चर्य मूढ़ित हो जाते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे गए थे, सारे पैराग्राफ में आंसर थे इसके। पूछा गया इसका शीर्षक क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में, तो इसका शीर्षक हो जाएगा आदर्श व्यक्ति, इसका शीर्षक ए। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 13 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया, एक और गद्य है इसमें देख लेते हैं दोस्तों, ये बहुत ही छोटा सा गद्य था, आप लोग फटाफट इसके आंसर देख लीजिए। तो स्वास्थ्य का सहोदर क्या हो जाएगा, व्यायाम हो जाएगा, पढ़ेंगे सारे ऑप्शन मिलते जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या है, आत्मसंयम, इसका लक्षण क्या है, आत्मसंयम इसका एक लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, किसी व्यक्ति का विकास किस प्रकार होता है, तो दोस्तों इसका विकास आत्मसंयम पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्यक्ति के पतन का कारण क्या है, उसका जो चारित्रिक दोष होता है उसके व्यक्ति का पतन का कारण होता है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन को पूछा गया है, विभिन्न दूसरों से मुक्त होने का अर्थ क्या है, मतलब चरित्र की रक्षा करना, इसका आंसर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विशेषण पूछा गया था दोस्तों, जीवांत जो इसका इसका विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, श्याम सुंदर ने पूछा गया कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है दोस्तों। इसमें शुद्ध वाक्य पूछा गया था, वह किताब लाया ही सबसे शुद्ध वाक्य दोस्तों, और सब सारे क्वेश्चन इसके ऑप्शन गलत हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, अंगूठा दिखाने मुहावरा पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा समय पर धोखा देना, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सम्मुख का विपरीत पूछा गया है, तो सम्मुख का विमुख हो जाएगा,
बी ऑप्शन, शिव का पर्यायवाची पूछा गया तो शिव शेखर हो जाएगा, शशि शेखर हो जाएगा, सी ऑप्शन। तत्सम पूछा गया दोस्तों, प्रकृति क्या है, तत्सम शब्द है एक। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं हम लोग के। क्वेश्चन नंबर 26 पे हम लोग चलते हैं, अनुराग में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, तो उपसर्ग पहले लगता है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनु, ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो दोस्तों जो बुढ़ापा है वो भी भाववाचक संज्ञा है और यवन भी है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। 27 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों, अनधिकार जो है इसका शुद्ध वाक्य, तो अनाधिकार नहीं होता दोस्तों, अनधिकार ही होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि, दोस्तों अत्यधिक में जो है वो स्वर संधि है, स्वर संधि का एक भाग होता है दोस्तों यड़ संधि, तो इसका अगर यड़ बोचा होता तो डायरेक्ट आंसर हो जाता है, बट यहाँ पे स्वर संधि पूछा गया तो आंसर हो जाएगा। आवश्यक में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, प्रत्यय क्या होता है, लास्ट में लगाया जाता है, तो इसका अक प्रत्यय हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। हम लोग सेक्शन 1 के 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, हम लोग अब जनरल स्टडीज के सारे क्वेश्चन देखेंगे पार्ट 2 में, आइए देख लेते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन जो 31 है, बहुत ही ज़्यादा विवादित क्वेश्चन है, इसका इसको हम बताते हैं कैसे होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का को संतुलित करना, दोस्तों जो शरीर को संतुलित करता है जो सेरिबेलम तो करता है एकदम, ये तो स्पष्ट है, ये तो होगा, बट दोस्तों कभी कभी दिखाया जाता है जो जो कान होते हैं दोस्तों वो भी एक संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं, मतलब एक डायरेक्शन को सेट करने का काम करता है, तो इसका आंसर ए और सी भी हो सकता है, अब आयोग के ऊपर डिपेंड करता है इसका आंसर क्या देता है, बट आप लोग ए लगा के चलिए, बट इसका अगर आयोग मानता है तो ए और सी मतलब एक से अधिक भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही आसान क्वेश्चन था मैथ का, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते थे, इसको यहाँ करके और अपॉन 100 कर सकते थे और 8 से 1000 को काट करके इसका रूट ले देते तो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाता, आप लोग सॉल्व कर लेना, इसको सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 32 का सी। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में, दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय कब मनाया जाता है, प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मई को मनाया जाता है, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 21 मई, बहुत ही आसान आंसर था, हालांकि कुछ लोगों ने 28 फरवरी को भी लगाया होगा, बट इसका आंसर बी ही होगा, यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूज बहुत अच्छे से किया इसने, ये करेंट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, झारखंड के घाटशिला किस उत्पादन के लिए, खनिज के लिए ज़्यादा, तो दोस्तों ये तांबा के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 34 का सॉरी सी हो जाएगा इसका आंसर, तांबा। 34 देख लेते हैं, 34 का बहुत ही आसान क्वेश्चन आया हुआ था, इन दोनों को जोड़कर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना गुना हो जाएगा, छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू दोनों का वैल्यू निकल जाएगी, तो इसका हमने सॉल्व किया था तो 336 आया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच की सीमा बनाती है, दोस्तों जो काली नदी है इन दोनों के बीच की सीमा बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो 36 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीकी सम्मेलन की सोच, दोस्तों 1967 में ये सम्मेलन किया गया था दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 37 का। 38 क्वेश्चन पूछा गया है कि जनवरी 2022 में जो इमरान खान है पाकिस्तान के, उनको चुनाव के लिए बहाल किया गया था, तो उनका चुनाव चिन्ह पूछा हुआ है कि कौन सा था, तो करंट का क्वेश्चन था, तो उन्होंने बैड चुनाव चिन्ह लिया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 38 नंबर का आंसर। अब 39 पे पूछा हुआ है, ये एक सोच पूछ रहा है कि प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता, तो दोस्तों भारत में उसकी 133वां स्थान है जो जल उपलब्धता के मामले माना जाए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा आंसर। 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन का दोस्तों सबसे आसान था इस क्वेश्चन करना, दोस्तों इसमें सबसे ईजी था, तो दोस्तों वैल्यू पुटिंग करना, एक्स की वैल्यू आप लोग अगर पुट कर देते हैं, अगर एक्स को -2 पुट कर देते हैं और वाई को -1 पुट कर देते हैं, दोस्तों इसका आंसर आ जाता, आप लोग पुट कर लेना, इसका आंसर पुट करके आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 8 आ जाएगा, बहुत ही आसान सवाल था ये, मैंने इसको सॉल्व किया था, 8 ही आया था। तो 40 क्वेश्चन हम लोग कन्फर्म कर चुके हैं। 41 केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम, अच्छा बटुकेश्वर दत्त ने दोस्तों बस डराने के लिए फेंका था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बटुकेश्वर दत्त, और भगत सिंह ने भी साथ दिया था आप लोग को पता होगा, तो 41 का भी हो जाएगा। अब 42 आ गए हम लोग, तो पूछा गया दोस्तों मैगनीज का उपयोग कहाँ किया, दोस्तों मैगनीज का जो उपयोग किया था तो लिथियम की बैटरी बनाते हैं हम लोग, तो मैगनीज के यूज़ से ही करते हैं, तो इसका आंसर सी ही होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है कि प्रकाश जो होती है उसकी तरफ पौधे क्यों झुक जाते हैं, दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, प्ररोह के छायादार फल की ओर ऑक्सीजन का विसरण, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है आप लोग को पता होगा कि एक हार्मोन होता है, पादप हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 44 क्या पूछा गया है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, तो 1934 में इसका गठन हुआ था, तो बहुत ही आसान सवाल था, 44 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, इसको दोस्तों करने का सबसे आसान तरीका था कि आप लोग इन सभी का डिफरेंस ले लेते हैं, ऊपर वाले से भाग कर देते हैं, जो वैल्यू आती उसको आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान, या तो अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो सबका एलसीएम ले लेना चाहिए था, सबका एलसीएम लेकर अगर सॉल्व करेंगे तो यही आंसर निकल के आ जाएगा, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, 2 मिनट में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग खुद सॉल्व कर लेना, इसका ऑप्शन मैंने
सॉल्व किया था ए आया था। 45 नंबर हो गया 46। 46 का पूछा गया कि कौन सा बिना ओम का प्रतिरोध, मतलब जिसमें प्रतिरोध नहीं होता, तो टार्च में दोस्तों, ताबे में प्रतिरोध होता है, नाइक्रोम में होता है। तो टार्च में पूछ रहा है कि गैर ओमिक प्रतिरोध कौन सा है, तो दोस्तों इसका टार्च हो जाएगा, टार्च बल्ब, ठीक है। 47 क्वेश्चन देख लेते हम लोग। पूछा गया भारत में सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग किस, तो भारत में सबसे ज़्यादा पानी किस सिंचाई के लिए तो यूज़ किया था, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंचाई। 47 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलेंगे, तो पूछा गया कौन सा कोलाइड नहीं है, दोस्तों सिरका कोलाइड नहीं है। आप लोग को पता होगा कि जो धुआं होता है कोलाइड माना जाता है, तो वही एक कोलाइड विलयन है, तो सिरका इसका आंसर हो जाएगा, कि नहीं पूछा गया ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो 48 हो जाएगा। 49 देख लेते हैं कौन सा पूछा गया, क्या हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा, नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश का पर्यटक राजधानी, अच्छा पोखर, इसका आंसर हो जाएगा ए, पोखरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया पोखरा। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों बहुत ही आसान सवाल आया था, सबसे इजी सवाल इसको कर सकते हैं आप लोग। पूछा गया कितने वर्षों में 7500 रुपये 8% साधारण ब्याज, दोस्तों 12.5%। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता देता हूँ, तो एन माइनस वन अपॉन टी, इसको करके अगर 7500 करेंगे तो आप लोग बहुत ही आसानी से आप लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा यहाँ से। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले पर आप लोग को पुट करना है, तो जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो 12.5% आ जाएगा। 50 क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, दोस्तों तो सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 दे पूछा गया है कि भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र है, दोस्तों ये घड़ियाल प्रजनन केंद्र तो शायद लखनऊ में बनाया गया है ना, हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो इसमें तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, शायद हरियाणा या लखनऊ से इसमें बनाया गया है, तो इसमें ना तो हरियाणा है ना तो लखनऊ है, तो इसका ई हो जाएगा। पूछा गया था कौन सा जल में घुलनशील है, दोस्तों आप लोग को पता होगा कैल्शियम ऑक्साइड ही जल में घुलनशील है और कोई जल में नहीं घुलने वाला है। 53 हो गया। 54 देख लेते हैं। 54 को पूछा गया कि 26/11 में जो आतंकी हमला हुआ था उसकी भूमिका के लिए डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2021 में किस बल के लिए नियुक्त किया, दोस्तों तो उनको एनआईए का स्वतंत्र प्रभार दिया गया था, दोस्तों एनआईए का निदेशक बनाया गया था, इसमें एनआईए तो कहीं है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा 54 का। 55 पूछा हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस किस, अच्छा सुभाष चंद्र बोस दो मतलब कब कब अध्यक्षता किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो दोस्तों उन्होंने 38 में भी किया था, 39 में भी किया था, तो इसका इससे अधिक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे हम लोग आ जाते हैं, 56 पे आ जाते हैं, 55 हो गया है। 56 पूछा गया कि गर्भपात कौन को सुनिश्चित करने वाला देश कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। 56 हो गया। 57 पूछा गया है कि सुब्रमण्यम और नायडू एक रात को उसमें पैसे के लिए जान दिए, अच्छा क्वेश्चन मैथ का पूछा गया, तो इसका आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा इसका 425, इसका आंसर आप लोग बी मार्क कर देंगे 425। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उन चार पायलटों में से नहीं है, तो दोस्तों जो इसरो के लिए गगनयान के भेजे गए, चार पायलट भेजे गए, शुभांशु शुक्ला और अजीत कृष्णन और पी वी नायर और एक अंगद भी भेजे गए हैं, चार लोग भेजे गए हैं, तो इसमें उन्हीं एक अंगद का नाम नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब ये तीनों तो भेजे गए हैं, तो कौन से नहीं भेजे गए हैं तो पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। पूछा गया है निम्नलिखित में से मलेरिया का भंडारण स्थल, तो दोस्तों मलेरिया परजीवी जो होता है वो कहाँ पे अटैक करता है, लीवर को ही तो खराब करता है, इसका सी आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय की यात्रा किसके उद्घाटन, दोस्तों तो राष्ट्रीय पुस्तकालय की जो स्थापना हुई थी कहाँ पे, कोलकाता में सबसे पहली लाइब्रेरी बनाई गई थी, तो 1936 में, इसका आंसर हो जाएगा मार्च 1836 में कोलकाता लाइब्रेरी। नेक्स्ट पूछा गया है श्वसन प्रक्रिया में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो जब हम लोग दोस्तों श्वसन करते हैं तो हम लोग एटीपी को गेन करते हैं, तो इसका आंसर सही है, तो इसका सी हो जाएगा, ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। 61 आंसर क्वेश्चन का इसी आंसर हो जाएगा सी। 62 देख लेते हैं हम लोग, साइमन कमीशन की गठन जो घोषणा कब की गई, तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, दोस्तों इसका सी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि बहुत लोगों ने इसका सी लगाया है, तो 8 नवंबर को हुई थी दोस्तों, बट 8 इसमें 8 दिसंबर दिया गया, तो इसका आंसर नंबर डी हो, नहीं ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। पूछा है घोषणा कब की गई थी, लागू नहीं पूछा गया, अगर लागू पूछा गया तो 8 नवंबर 1928 होता, बट इसका आंसर नंबर ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज। 62 हो गया। 63 देख लेते हैं। 63 बहुत ही ईजी क्वेश्चन था दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करते, अगर सॉल्व करने का जगह नहीं है, मैथ का मैं एक सेक्शन फिर से लाऊंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग को दिखा दूंगा। इसका आंसर सॉल्व करने पे 4 आया था मेरा, इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग सॉल्व कर लेना, काफ़ी आसान सवाल था ये, ठीक है, 4 इसका आंसर हो जाएगा 63 का, ये मैथ का क्वेश्चन था। बिहार दिवस मनाया जाता है दोस्तों, बिहार दिवस का क्यों मनाया जाता है, क्योंकि बंगाल में 22 दिन को प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, उसी के हिसाब से ये बिहार दिवस मनाया जाता है, बी आंसर हो जाएगा 64 का। 65 और पूछा गया सिनेमा जगत में जो योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वहीदा रहमान को दिया गया इस बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 65 का सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं।
नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला था दोस्तों? बाकू अजरबैजान। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। पूछा गया है एक कमरा है 8 मीटर, 6 मीटर और 10 मीटर ऊंचा, इसमें रखे जाने वाले सबसे लंबे छड़ की लंबाई पूछी गई। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि ये एक घनाभ का क्वेश्चन है, तो इसमें पूछ होता है कि जगह नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए। जितने जो भी दिया गया दोस्तों, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तीनों को अगर स्क्वायर करके आप लोग ऐड करके इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 10√2 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो 67 का सी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 67 का सी। 68 देख लेते हैं। 68 में पूछा गया है कि भारत में ज्वरीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? दोस्तों खंभात की खाड़ी में, सबसे खंभात की खाड़ी इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 69 पूछा गया है कि जो सड़क पर जो बल्ब लगाए जाते हैं दोस्तों, वो श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं, समांतर क्रम में अगर बल्ब लगा देंगे दोस्तों उसकी वो काफ़ी डिम प्रकाश करेगा। कई लोगों ने दोस्तों इसको श्रेणी क्रम और समांतर दोनों माना है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर समांतर क्रम में होना चाहिए, बिकॉज हम लोग देखते हैं कि घरों में भी हम लोग सीरीज में ही जोड़ने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा में निर्वाचित सभापति कौन थे? दोस्तों इसका आंसर राजीव रंजन सिन्हा थे, बी आंसर हो जाएगा 70 का। हम लोग दो सेक्शन देख चुके हैं, अब हम लोग साइंस का सेक्शन देखते हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन साइंस के देख लेते हैं फटाफट। पूछा गया दोस्तों दो न्यूरॉनों के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? दोस्तों जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं हम लोग के बॉडी जो तंत्रिका तंत्र में, तो उसमें पूछा गया उनके दोनों बीच के जो अंतराल होता है उनको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उससे बोलते हैं अंतर ग्रंथन से बोलते हैं दोस्तों। कि जिन्होंने एक्सॉन और डेंड्रॉन लगाया दोस्तों वो गलत है, जो एक्सॉन और डेंड्रॉन होता है वो न्यूरॉन का एक पार्ट होता है, न कि उनके बीच का स्थान होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बे के लिए टीन से लेपित क्यों होते हैं? दोस्तों ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो जिंक होता है टीन की तुलना में ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है, अगर इसमें रख देंगे तो प्रतिक्रिया करके खराब हो सकता है सामान, इसलिए इसका आंसर नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 पूछा गया न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार, न्यूटन का दूसरा नियम पूछा गया F=ma की बात की गई दोस्तों, तो वस्तु पर लगने वाले बल की बात की गई, तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा 113 का। 114 नंबर पूछा गया है कि CO2 और पानी और ऊर्जा देने के लिए पायरूबिक का विघटन कहाँ होता है? दोस्तों माइटोकांड्रिया में होता है, ठीक है 114 का ए हो जाएगा। 115 नंबर देख लेते हैं, किसी पदार्थ को सीधे ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है, कपूर आप लोग को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर है। 116 नंबर पूछा गया है कि एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं कैसी होती हैं? दोस्तों संकेंद्रीय होते हैं, आप लोग को पता होगा कि जब चुंबक होता है तो उनमें जो धारावाही निकलते हैं ये लाइनें निकलती हैं इस तरीके से होती हैं, तो आगे जाके दोस्तों एक दूसरे के कवर कर लेती हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइनें निकलती हैं तो क्या हो जाती है, संकेंद्रीय तो होती है यहीं से निकलने वाली लाइनें, तो यहाँ पर संकेंद्रीय वृत्त बन जाएगा, तो सी एंस का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। 117 नंबर क्वेश्चन जो था दोस्तों, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का दोस्तों आप लोग को पता होगा जो परमाणु क्रमांक होता है 7 होता है, तो इसको जब आप लोग तोड़ेंगे 2 और 5 में ये हो जाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो 117 नंबर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। 118 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुनी कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों आप लोग को पता होगा G=ma2/r² होता है, तो यहाँ अगर 122 कर देंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 ही तो हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका 1/4 हो जाएगा, 118 हो जाएगा। 119 का आंसर हो जाएगा। पूछा गया लोहे के परत को जंग बचाने के लिए, तो उसको गैल्वनाइजेशन बोलते हैं, जिंक की जो हम लोग परत चढ़ा देते हैं कि उसे जंग ना लगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 119 का बी हो जाएगा। 120 पूछा गया है मनुष्यों के लक्षणों की वंशानुगति के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों वंशागति कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान तो होता नहीं है, जो मनुष्य को जो आगे के जो वंश के बारे में जो पता करते हैं उसको वंशानुगति ही तो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है और वेग है P=mv वाला m1v1 m2v2 वाले कॉन्सेप्ट से दोस्तों को सॉल्व करना हुआ, तो इसका आंसर कोई भी मैच नहीं कर रहा था, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर डी आप ई मान लीजिए आप लोग, ठीक है। आंसर काफ़ी कम आया था, मतलब 2000 के करीब आया था, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े आंसर दिया है दोस्तों, तो इसका ई आर मतलब इस हिसाब से आप लोग कर लीजिए, अब ऑप्शन देखते हैं क्या होता है। 122 पूछा गया है कि किसी वस्तु के स्थिर वेग स्थिर बनाए रखने का घर्षण को शून्य करना पड़ेगा, शुद्ध बल को शून्य करना पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण को शून्य होता है, इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, ई आंसर हो जाएगा इसका।
112 क्वेश्चन हो गया, 122 हो गया, 130 पे आ जाते हैं हम लोग। वह घटना प्रकाश नीला क्यों दिखाई देता है, उसको प्रकीर्णन के कारण प्रकाश नीला दिखाई देता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 124 पूछा गया है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों, मतलब रासायनिक परिवर्तन पूछा गया है, भौतिक परिवर्तन नहीं है पूछा गया, ठीक है, ये पूछा गया। तो इसका कोयला क्या है, कोयला एक बार जल जाएगा दोस्तों फिर वापस उसको कोयला नहीं बना सकते हम लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बर्फ़ को पिघला के फिर से हम लोग चेंज कर सकते हैं, पानी को भी पिघला के नमक पानी को पिघला के चेंज कर सकते हैं, बट कोयला नहीं हो सकता। तो हो गया 125 नंबर, देख लेते हैं। स्थायी ऊतक के बारे में पूछा गया दोस्तों, कौन सा सही है, तो पूछा गया तेजी से स्थायी ऊतक के बारे में पूछा गया, तेजी से कोशिका विभाजन करने सक्षम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, बहुत ही फास्ट कोशिका विभाजन कोई नहीं कर सकता है। केवल युवा पौधे नहीं, ये भी गलत हो गया, विभाजित करने की क्षमता को, ये भी गलत है दोस्तों। एक नॉर्मल वे से उन लोग अपने आप कोशिका को विभाजित करते हैं और एक निश्चित पीरियड में धीरे धीरे अपने आप को बढ़ते जाते हैं, तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ई आंसर हो जाएगा। 125 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 126 देख लेते हैं हम लोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य सूत्र दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बिना बुझा चुना, सी ओ एच का होल्ड वाइज आप लोग को पता होगा, ये पूछा गया था, आंसर हो जाएगा इसका सी ओ एच का होल्ड वाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 127 पूछा गया है कि विभाज्य ऊतक ऊतक का क्या कार्य है दोस्तों, वृद्धि और विकास के लिए जो ऊतक जो भी डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं वो विकास के लिए ही सहायता करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पूछा गया 128 कार्य का ऐसा ही मात्रा पूछा गया, तो दोस्तों इसका आंसर जूल हो जाएगा, बट इसने जॉल लिखा है, आई डोंट नो जॉल क्यों लिखा है दोस्तों, सॉरी ये शायद ऑप्शन गलत होगा, इसका आंसर जूल होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोस्तों, जो आप लोग को पता होगा एल्केन एल्कीन एल्काइन तीन होते हैं, एल्केन होता है दोस्तों और एल्कीन एल्काइन, जो एल्कीन एल्काइन होता है वो असंतृप्त होता है और जो एल्केन होता है वो संतृप्त होता है, तो एल्कीन एल्काइन मतलब कि ये तो ऑप्शन गलत हो गया, तो ये भी दोस्तों दोनों एल्केन ही दे दिया, तो एल्कीन दोस्तों ये इथीन दिया हुआ है दोस्तों, तो यही एल्कीन है, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 पूछा गया खाद्य श्रृंखला के बारे में दोस्तों, खाद्य श्रृंखला क्या होता है, मतलब अगर आप लोग को पता होगा कि घास कौन खाएगा, वो बकरी खाएगी दोस्तों, बकरी को कौन खाएगा, इंसान खाएगा, तो यही हो गई खाद्य श्रृंखला हमारी, तो आंसर बी हो जाएगा इसका आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग, साइंस में बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल पूछे गए हैं, मतलब इतने आसान क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड उससे बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, थोड़े से अगर दिमाग आप लोग लगा देंगे, अगर आप लोग बेसिक तैयारी करके भी गएंगे, मतलब 6 to 8 की अगर NCERT भी नहीं पढ़े होंगे, कोई भी बेसिक बुक पढ़े होंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन नंबर 131 क्या पूछा गया है कि किस उप परमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन इक्वल टू N+P होता है ना दोस्तों, तो इसका द्रव्यमान संरक्षित होता है, सॉरी लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, सी आंसर हो जाएगा इसका, आप लोग आंसर लगा लीजिएगा। पूछा गया लाइकेन किस वायु प्रदूषण के लिए, दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड के लिए सबसे ज़्यादा लाइकेन होता है, SO2 के लिए सबसे ज़्यादा लाइकेन प्रभावशाली होता है। ब्यूटेनोन दोस्तों पूछा गया था, आप लोग को पता होगा जो भी ओन होता है दोस्तों वो कीटोन ग्रुप में आता है, मतलब CO ग्रुप में आता है, तो कीटोन ग्रुप का आंसर ए हो जाएगा। 137 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 134 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन, दोस्तों पादप हार्मोन की बात करें तो 5 टाइप ऑफ पादप हार्मोन पाए जाते हैं, तो इसमें तीन दिया हुआ, साइटोसिन जिब्रेलिन और ऑक्सिलिन, दोस्तों तीनों के तीनों ये पादप हार्मोन है, तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण के लिए त्वरण कितना होता है, तो आप लोगों को सभी को पता होगा दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण। 136 नंबर क्या पूछा गया है कि क्या होता है जब लोहे पर HCl मिला जाता है तो हाइड्रोजन निकलती है और आयरन ऑफ क्लोराइड बन जाता है, आंसर सी हो जाएगा। 136 हो गया ना, 137 कोशिका की खोज किसने की थी दोस्तों, आप लोग को पता होगा रॉबर्ट हुक ने की थी। काफ़ी आसान, मतलब इतने बेसिक क्वेश्चन, मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 138 दोस्तों मतलब बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग को देखते हैं, अब 200 में 4 से डिवाइड करना था दोस्तों, आप लोग का औसत गति पूछी गई है, तो इसका आंसर 50 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 गुर्दा किसका, अच्छा दोस्तों गुर्दा पूछा गया किसका हिस्सा है, तो दोस्तों ये मलत्याग के पार्ट में ही गुर्दा आता है, भोजन के पाचन में भी आता है, बस पाचन आंसर दिया नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 140 आ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 140 में पूछा गया है कि ठोस के बारे में पूछा गया है कि कौन सा ठोस की विशेषता नहीं, तो दोस्तों ठोस जो होता है आसानी से तो बहता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा यही भी विशेषता नहीं है पूछा गया है ना। क्वेश्चन नंबर 141 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का, दोस्तों आप लोग को सभी को पता होगा P = VI होता है, P = I² RT, P का आप लोग को पावर फार्मूला पता होगा, पावर का ये भी होता है, बट ये तो कभी आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, नहीं पूछा गया है बिकॉज। क्वेश्चन नंबर 142 क्या है, कौन सा एसिड का गुड़ नहीं है, गुड़ है सॉरी एसिड के बारे में पूछा गया, दोस्तों एसिड के लिए एक फार्मूला होता है ABR क्या होता है, एसिड जो होता है वो रेड कर देता है, ब्लू से रेड कर देता है लिटमस पेपर को,
तो देखो इसमें ऑप्शन कौन सा है, यही तो है ब्लू से रेड करने वाला ऑप्शन नंबर ए, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 142 तक कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 143 देखना था। तो पूछा गया निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की जो गति होती है तो मैक्सिमम होती है, तो दोस्तों ठोस में, ठोस कौन सा है इसमें इस्पात है, तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। 144 नंबर देख लेते हैं, 144 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण की अनुकूल प्रथा है, तो दोस्तों पूछा गया कि अपनी माँ द्वारा स्कूटर, अपनी माँ द्वारा अपने स्कूटर को आपको स्कूल छोड़ने के बाद पैदल जाना चाहिए, दोस्तों ये तो बिल्कुल ही गलत है। पूछा गया है कि अनावश्यक लाइनें और पंखे बंद करने जाना चाहिए, हाँ सही है। खरीदारी करते समय सामान आदि के कपड़े में कपड़े की थैली का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 146 पूछा गया है कि पराग कोश में शामिल है, पराग कोश में दोस्तों क्या होता है, परागकण होते हैं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 147 देख लेते हैं, 147 में पूछा गया है कि जो मौसमी घटनाएं होती है दोस्तों, जो मौसमी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में होती है, तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 147 हो गया। 148 पूछा गया है कि कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं, दोस्तों यकसम्मा मतलब पूछा गया है कि दमा कौन सा किससे रिलेटेड नहीं है, तो दोस्तों यही है आंसर नंबर ए, ये वेक्टर का रोग नहीं है, डेंगू मलेरिया दोस्तों ये बैक्टीरिया से होते हैं, वेक्टर मतलब बैक्टीरिया से आप लोग को समझना है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 149, 149 पूछा गया है कि एक प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है दोस्तों, विरल से सघन में जाता था, तो क्या होता है, जब विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की तरह क्या होता है, झुक जाता है, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 150 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कोशिका के चारों ओर कौन सी झिल्ली होती है, दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली कह लीजिए चाहे उसको कोशिका झिल्ली कह लीजिए, कोशिका भित्ति नहीं होगा, कोशिका भित्ति दोस्तों पौधों में पाई जाती है और मनुष्यों में नहीं पाई जाती, तो इसमें सब में पूछा गया है, मतलब ओवरऑल कोशिका के बारे में पूछा गया, तो इसका कोशिका झिल्ली आंसर हो जाएगा। तो ये 150 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया, आप लोग 150 क्वेश्चन मिलाइएगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चंस आप लोग के ठीक हुए, उस हिसाब से मैं आप लोग के कट ऑफ मार्क्स बताने की कोशिश करता हूँ। और देखा जाए तो जो साइंस का सेक्शन आया था दोस्तों बहुत ही बेसिक साइंस पूछी गई थी, हालांकि मैथ के क्वेश्चन बहुत ही कम आए थे, अगर आप लोगों ने ठीक से स्कोर किया है दोस्तों तो मुझे नहीं लगता कि आप 100 के नीचे क्वेश्चन करके आए होंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, जीएस, हाँ जीएस मान सकते हैं कि काफ़ी अच्छी पूछी गई थी, करंट के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आए थे, फिर भी ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जो आप कर नहीं सकते, काफ़ी आसान क्वेश्चन आए थे, करने लायक आए थे, तो साइंस का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान आया था, साइंस के सेक्शन में आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते थे, दो चार क्वेश्चन को अगर छोड़ दे तो, एक दोनों मेडिकल मान लीजिए हार्ड कह सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी इसमें हार्ड आया ही नहीं थे, सारे क्वेश्चन बहुत ईजी थे। तो कैसा लगा आप लोग को ये सेक्शन, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आप लोग अपने स्कोर ज़रूर शेयर करें, मिलता हूँ अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।